एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ बेसिन लेने किचन के लिए, मतलब किचन में लगाने के लिए, क्योंकि अभी मतलब किचन में हम लोग खाना बनाने लगे हैं तो बेसिन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। कुछ भी धोना रहता है बार बार मतलब नीचे से धो के लाना पड़ता है। तभी जा रहे हैं हम लोग बेसिन लाने के लिए, बेसिन लगाएंगे और पुट्टी वगैरह भी शायद लेके आएंगे, इधर पुट्टी वगैरह कर देंगे। उसके बाद टाइल्स वाला तो हम लोग बात किए हैं, लेकिन मिस्त्री बस उनका आने का बस वेट है। एक दिन का काम है, बस एक दिन मिस्त्री आ जाएंगे फिर सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मेरे पति नीचे हैं तो बोले हमको, हम रेडी हो रहे थे और वो नीचे ही थे, हमको बोले चाबी लेके आओ। तो अभी चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसा बेसिन लेते हैं। छोटा सा लेना है क्योंकि हम लोग का किचन आप लोग देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर छोटा बेसिन लगेगा, छोटा सा लेना है। चलिए देखते हैं कैसा मिलता है। और भी मतलब और भी कुछ कुछ लेना है, जैसे कि मतलब कुछ कुछ किचन का ही सामान नहीं है तो वो सब भी लेना है, तो वो सब लेंगे। तो चलिए बाद में वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या लेते हैं, फिर मिलता है आप लोग से। क्या बोलते हैं, अपने घर जाएंगे और अपना अकेले रहेंगे, अपना जिंदगी बिताएंगे। हमको बोलते हैं देखिए, ये बोल रहे हैं कि हम दूध दिया करेंगे, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये हम लोग लेके आए हैं अभी, वो दिखाते हैं आप लोग को क्या है। मतलब ये नहीं पता है इसका नाम क्या है, बट ना ये जो बेसिन लगेगा इसका मतलब साइड में इधर एक और इधर मतलब, ताकि बेसिन अच्छे से रहेगा, इसीलिए ये दिया है। और छोटा सा इसका ही नहीं है क्योंकि जगह नहीं है किचन में ज़्यादा, तो बड़ा वाला लेते तो फिर दिक्कत होता, मतलब रखने में प्रॉब्लम होता नहीं बनता, इसलिए ये वाला लिए छोटा सा है तो अच्छा लग रहा है, बड़ा वाला अच्छा नहीं दिखता। छोटा सा है तो क्यूट लग रहा है ये, पर ये पीछे ऐसा क्यों मिल गया है? ये वाले चम्मच लेंगे और एक ये काटा वाला,
अच्छे से बने, फिर तो दरवाजा लग जाएगा उसके बाद। फिलहाल तो अभी जो दिन का देखिए बाद में और देखिए। चलिए अभी इसको सेट करते हैं, सेट होने करते हैं। सो गाइस, तो गर्मी का दिन हो और आपको मिल जाए खाने के लिए आइसक्रीम तो बहुत मज़ा आता है ना। अभी मैं खाने जा रही हूँ आइसक्रीम, और वहाँ पे बेसिन सेट हो गया है तो उसको मैं बाद में दिखा दूँगी आपको। पहले ये खाती हूँ क्योंकि तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब तो दिन भर मतलब फ़ैन चला के रखना पड़ता है वरना, और मतलब ना नीचे तो कम गर्मी लगता है लेकिन ऊपर में और भी ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि छत पूरा गर्म हो जाता है ना इस वजह से। फिलहाल ये खा लेते हैं, उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड जी इधर कुट्टी भी करेंगे, थोड़ा सा करना है तो यही करेंगे। सो गाइस, मैं फिर से खा रही हूँ आइसक्रीम। चुरा के लाई है, चुरा के लाए, ये ला दे हैं और ये कर रहे हैं काम। हम भी कर रहे थे अभी, हम बड़का जैसा मन तैसा कर रहे हैं, हम भी अभी कर रहे थे थोड़ा सा। हम भी किए उसके बाद मतलब ये जब तक आइसक्रीम ला दिए गए थे तब तक हम कर रहे थे, बड़ा सा हम किए और अभी ये कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम लोग का मंदिर में शादी है बगल में, छोटा मोटा तो शादी होगा, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोग से आइसक्रीम खा के। देखिए गाइस, मैं कर रही हूँ कुर्ती, किसके किसके फेस पे करवाना है। ट्राई कर रही, सीख रही हूँ, आता नहीं हूँ फर्स्ट। देखो वो सब बाबरी हो जाएगा। चलो हो गया था, ऐसे नीचे से धर और ऊपर उठाना। हाँ फिर फोकरते हैं वहाँ, फिर हाँ उठा ऊपर।
गाइस फाइनली मेरा हो गया है डिनर और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। मतलब पता नहीं आज थोड़ा थका थका फील हो रहा है। कुछ काम नहीं किया। कुछ काम कैसे नहीं किए, ईटा चढ़ाया ना तभी से लग रहा है, चार पांच ईटा उतना तो चढ़ाया भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पोल को साफ कर रहे थे तो यहाँ पे ईटा तो होगा 12-15 होगा ना, 12-15 ईटा होगा तो उसको हम लोग दोनों मिल के चढ़ाए थे। तभी से पता नहीं कैसे माथा पूरा दुख रहा है दोनों, और पूरा थकावट जैसा फील हो रहा है। और अभी 9:15 हैं हो रहे हैं तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सोने के लिए और मेरा पता नहीं इतना ज़्यादा पिंपल हो रहा है ना, छोटा छोटा, हाँ बड़ा पता नहीं कैसे हो रहा है। और बहुत कोई मेरे को कमेंट करते थे कि दीदी आप अपना हॉस्टल जाके ब्लॉग बनाइए, मतलब और भी जैसे कि हॉस्टल जाके ब्लॉग बनाइए, अपने फ्रेंड लोग से इंट्रोडक्शन करवाइए और भी बहुत कुछ। मतलब ये हॉस्टल, मतलब मेरे को हॉस्टल जाने वाला कमेंट बहुत ज़्यादा आता था, मैं देखी थी कमेंट एक दो बार कि मतलब बहुत कोई ऐसे थे जो वो मतलब चाह रहे थे कि मैं हॉस्टल जाऊँ। तो फाइनली मैं कल जा रही हूँ हॉस्टल 3 दिन के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो इसलिए मतलब यहाँ से जाना आना मतलब कंटिन्यू 3 दिन है। इसीलिए मतलब जैसे एक दो दिन गैपिंग रहता तो घर से आना जाना कर लेती, बट कंटिन्यू 3 दिन है तो वहीं पर जाके अब 3 दिन का एग्ज़ाम दूँगी, उसके बाद फिर वापस घर आऊँगी। तो चलिए वहाँ पर जाके ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोग जो बोल रहे थे वो कल, तो आप लोग फिर क्या बोले कल का ब्लॉग पक्का देखिएगा, मज़ा आएगा कल का ब्लॉग। वहाँ जाके अपने फ्रेंड लोग से मिलवाऊँगी आप लोग को। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।